सोलन में कुमारहट्टी स्थित निजी स्कूल में 12वीं कक्षा में शिक्षा ग्रहण करने वाले युवक ने जहर खाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मिली जानकारी के अनुसार किन्हीं कारणों से छात्र हॉस्टल में जाने से मना कर रहा था। जहर खाने से पहले उसने अपने परिजनों को फोन कर जहर खाने की जानकारी दी और वे फिर जहर खाने के बाद अपनी बहन के पास सोलन चला गया, जहां परिजन उसका निजी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे। निजी हॉस्पिटल में अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई तो आनन-फानन में उसे सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है आखिरकार मृतक हॉस्टल में क्यों नहीं रहना चाहता था। शुरुआती तौर पर पुलिस मृतक के परिजनों से पूछताछ कर रही है, उसके बाद स्कूल प्रबंधन से इस घटना से पूछताछ करेगी। मामले की पुष्टि करते हुए DSP अमित कुमार ने बताया कि विद्यार्थी द्वारा जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मृत्यु हुई है। फिलहाल सबका पोस्टमार्टम करवा लिया गया है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर ही विद्यार्थी की मौत का वास्तविक कारणों का खुलासा हो पाएगा। जी, धर्मपुर थाना के क्षेत्र में कुमारहट्टी से एक 12वीं के छात्र द्वारा पॉइजन कंज्यूम करने की रिपोर्ट थाना में प्राप्त हुई थी 27 जुलाई को, जिस पर छात्र का उपचार करवाया गया। उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया, उसका स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया गया, लेकिन घर पर इस छात्र की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसे एक निजी अस्पताल में और उसके उपरांत रीजनल हॉस्पिटल सोलन में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। ये छात्र 12वीं कक्षा का छात्र है और किन्नौर जिला से संबंध रखता है। इसकी उम्र 18 वर्ष है। जी, अब तक की जांच में ये सामने आया है कि ये छात्र हॉस्टल में नहीं रहना चाह रहा था और इसने उसी दबाव में चूहे मारने की दवाई कंज्यूम कर ली। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।